बात है। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक सांझी अपनी खुशियां, हो सांझी अपनी खुशियां, और गम एक है, हम एक है। परचम परचम परचम। अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर आ रहा है, उसके बाद 7 सितंबर आएगा और फिर 8 सितंबर आएगा। यौम दिफा भी है, पाकिस्तान का अहम एक ऐसा मरहला होता है जब हम एयरफोर्स के बारे में जान रहे होते हैं, पाकिस्तान नेवी के बारे में जान रहे होते हैं, और अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स टीवी पर देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हजरात हम उनको सुन पाते हैं। यूजुअली हम 65 की जंग को डिस्कस कर रहे होते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में दाखिल हो गया 600 टैंक्स लेकर, दुनिया की सबसे बड़ी टैंक्स की जंग थी, पाकिस्तानियों में जोश व जज्बा था, हमने उन टैंक्स के नीचे हमारे जवानों ने लेट कर बम बांध कर टैंक्स को तबाह किया, फिर पाकिस्तानी आर्मी लाहौर से निकली और जाके दिल्ली में घुस गई और वहाँ जाकर जश्न मनाया। ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और जाहिर है कि इस पर हमें फख्र भी है। इसी दौरान हमने देखा कि एयरफोर्स ने आलमी रिकॉर्ड बनाए, एमएम आलम साहब ने जो इंडिया के तैयारे गिरा दिए, बहुत सारे वाकयात हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो शख्स बैठे हैं, ऐसे शायद पाकिस्तान में बहुत चंद जवान होंगे, बहुत चंद कमांडोज होंगे जो समंदर के अंदर, फजाओं में ऊपर, और दुश्मन के कनपट्टी भी नहीं, बिल्कुल फोरहेड पे यहां गोली मारने की सलाहियत रखते हो। बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को ये मौका दिया कि अपना सर फखर से बुलंद करें। बहुत अच्छे नात ख्वां हैं। अब असल में इनका टाइम, वो टाइम जो होता है कि एक टाइम के बाद वो कोई बात कह सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो दिन अभी चंद दिन पहले पूरे हुए हैं। मैं कई अरसे से इनसे गुजारिश कर रहा था कि हम कुछ बात करेंगे, लेकिन वो बातें करेंगे जिससे नौजवानों को, पाकिस्तानियों को प्राउड फील हो। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाता हूँ, फहीम अहमद नाम है, मैं इन्हें कमांडो कमांडो कहता हूँ, और ये वाकई रियल कमांडो हैं। ये पाकिस्तान नेवी में बहुत ज़बरदस्त रोल इन्होंने प्ले किया है, बड़ा ज़बरदस्त उस्तादों के उस्ताद हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नेवी के दौर में सिखाते रहे। अच्छा, बुनियादी तौर पर मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया ही दिया ये, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि हम थोड़ा सा आपका वो इंट्रोडक्शन जो कि मैंने करवाए भी, कि आप उन पाकिस्तानी कमांडोज में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि पाकिस्तान में बहुत ही चंद ऐसे कमांडोज या कम ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिन्हें तमगा बसालत दो दफ़ा मिला। आपको दो दफ़ा तमगा बसालत माशाल्लाह मिला, क्यों मिला? इसमें सर फैसल भाई, दो ऑपरेशन डिफरेंट टाइमिंग में, एक तो मेहरान बेस ऑपरेशन, शायद आपने सुना हो, मेहरान बेस पे अटैक हुआ था जिसमें टेररिस्ट ने जो है हमारे दो बहुत ही कीमती असासे जो हैं वो तबाह किए थे, P3C ओरियन, उस ऑपरेशन में मैं शामिल था और अल्हम्दुलिल्लाह टेररिस्ट को जो है वो नील डाउन किया। और दूसरा ऑपरेशन जो है वो स्काई डाइविंग कर रहे थे। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बड़ी इंटरनेशनली सारी दुनिया के अंदर हिट हुई थी कि दहशतगर्द का सर पकड़ के फहीम आए थे बाहर, और ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो सारी दुनिया के अंदर देखा गया, पाकिस्तानी टैलेंट्स के ऊपर, चैनल्स के ऊपर मुसलसल चलता रहा, और जिस तरह उन्होंने दहशतगर्द को हिट किया वो तस्वीर भी देखें, आगे भी चलते हैं। दूसरा जो तगमा बसालत है वो एयर पैरा जंप्स कर रहे थे हम मनोड़ा के करीब, और उसमें पहले बोट ड्राप करनी थी, उसके बाद उसके पीछे जो है वो पैरा ट्रूपर्स ने जाना था, उस जैसी वो बोट ड्राप होती है वो इन्फ्लेट हो जाती है ऑटो पे, तो वो पानी के ऊपर जैसे ही बोट जो है वो ले डाउन होती है तो पीछे जो है
पैराट्रूपर आके उस बोट पे बैठते हैं और जो है किनारे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो वो बोट ड्राप करने के दौरान एंकर लाइन एक होती है, वो टूट गई और जितने भी पैराट्रूपर्स होते हैं वो उस एंकर लाइन के साथ कनेक्ट होते हैं उनकी पैराशूट। अच्छा, तो अगर वो पैराशूट उसको हुक ना किया जाए तो वो ऑटो ऑपरेट नहीं होती। अच्छा, तो बोट के ड्राप करने पे एंकर लाइट के टूट जाने से अगर वो जंपर जंप्स कर जाते तो किसी बंदे की पैराशूट ना खुलती और मुश्किल हो सकता था, उनके डेथ के चांसेस जो है वो ज़्यादा थे। हाइट कम थी क्योंकि ऑपरेशनल हाइट के ऊपर हम जंप करा रहे थे। तो मैंने जब वो बोट ड्राप की तो साथ ही वो एंकर लाइट के टूटने से उसकी जो हुक है वो मेरा पाँव काटती हुई चली गई। तो मैं बिल्कुल जैसे बसों के कंडक्टर जो है ना वो खड़े होते हैं दरवाजे में जी, तो इस तरह जंप मास्टर जो है वो बिल्कुल डोर में खड़ा होता है, वो नीचे भी देख रहा होता है ताकि वो कैलकुलेशन करता है जब ड्रॉप टाइम आता है। तो उस वक्त मैंने एक हाथ से जो है वो जंपर्स को रोका और दूसरे हाथ से जो है वो डोर जो है वो क्लोज किया ताकि जंपर जो है वो बाहर निकल ना सके। तो ये दूसरा जो है वो इस चीज़ जान बचाई, जान बचाई। तो उन जितने लाइन में जंपर्स खड़े थे उस उनको बचाने की वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया। बहुत बहुत फख्र की बात है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि ये कितनी बार आपको, आप चूंकि इंस्ट्रक्टर भी हैं, आप स्नाइपर यानी कि पाकिस्तान में उन ऑफिसर्स में शामिल रहे हैं जिन्होंने खुद भी इस तरह के मुकाबले किए और साथ ही इंट्रोड्यूस भी किया और ट्रेन भी किया। बेसिकली सर मैंने खुद जो कोर्स किया था वो ज़रार कंपनी है आर्मी एसएसजी की तरबेला के अंदर, वहाँ से मैंने एंटी टेररिस्ट का कोर्स किया, स्नाइपर का कोर्स किया और उसके बाद जब नेवी में हमने एडवांस काउंटर टेररिज्म के नाम से उसी को कुछ एडवांस चीज़ें डाल के हमने अपना एक नेवी नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जब उसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हुआ तब हमने यहाँ पे उन लड़कों को, अपने सील्स के लड़के जो हैं उनको एडवांस काउंटर टेररिज्म करवाना शुरू कर दिया। नेवी सील्स स्पेशल फोर्स होती है, कमांडोज होते हैं, यूँ कह लेंगे जिस तरह आर्मी एसएसजी है इस तरह नेवी एसएसजी है, लेकिन नेवी एसएसजी जो है उसको हम सील्स इसलिए कहते हैं कि ये तीनों मतलब अंडर वाटर मैंग्रूव्स और एयर और लैंड हर जगह पे मतलब ऑपरेट करने की सलीहियत रखते हैं। सबसे मजबूत कहते हैं कि नेवी सील्स ही होते हैं, ये पानी समंदर के अंदर भी, हवाओं के अंदर भी और ज़मीन पर भी, ऐसे ही। तो उनके आप उस्ताद रहे हैं, आपने उनको ट्रेन किया। मैं 17 ईयर्स जो है कंटिन्यू इंस्ट्रक्टरशिप में रहा हूँ, उसमें मार्शल आर्ट्स भी है, उसमें पैरा जंप्स भी है, उसमें डाइविंग के रिलेटेड जो बेसिक कोर्स है वो भी है, इवन के रैपल मास्टर है, इवन के जो भी टोटल ट्रेनिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हर शोबे की तरफ से करवाता रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा मैं फहीम साहब का, जिससे ये सारी चीज़ें तो बहुत मुतासर कुन हैं और सारे नौजवानों के लिए भी हैं, लेकिन इनका एक और एंगल है वो मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत एंगल है, बहुत ज़बरदस्त नात ख्वाह हैं। मैं चाहूँगा किसी खूबसूरत नात के चंद अशार अगर आप गुजर हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, गुजर हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, तो सारी जिंदगी कर दूं बसर तैबा की गलियों में, तो सारी जिंदगी कर दूं बसर तैबा की गलियों में, हवाएं रहमतें हक की वहाँ चलती हैं रोजो शब, बरसता नूर है शामो सहर तै
बाग की गलियों में बरसता नूर है शाम सहर बाग की गलियों में जिधर देखी उसी माहे मुबी की चांदनी देखी जमाले मुस्तफा नजर ते बागी गलियों में। सुभान अल्लाह, आपको ये नात इतनी जबरदस्त आवाज है आपकी, क्या जब थे सर्विस में उस वक्त भी ये महफिलें होती थी? बिल्कुल होती है सर, उससे पहले जो है स्कूल टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह जो सुबह की जो प्रे होती है उसमें तलावत भी नात भी, और मुझे आज भी अपने क्लास फेलोज जो हैं वो जब भी मिलते हैं वो भी इंसिस्ट करते हैं भी नात सुनाएं। माशाल्लाह, स्कूल टाइम से ही है, तो बस ये है कि हम वो प्रोफेशनली उस तरफ नहीं गए। नहीं, प्रोफेशनली नहीं गए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह प्रोफेशनली ही हैं। मेरी जब मुलाकात होती है तो मैं सबसे पहले फहीम भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नात के चंद अशार सुनाएं। अभी चंद रोज़ पहले अल्लाह ताला के एक बहुत ही खूबसूरत नेक बंदे हैं, उन्होंने चंद दिन के लिए गिलाफ़े काबा दिया, मैंने वो अमानत अब वापस कर दी है। वो जब मेरे पास थी पूरे खाने काबा का मुकम्मल दरवाज़ा, तो मेरी ख्वाहिश थी कि फहीम भाई साथ साथ रहें, और वो माशाल्लाह साथ साथ थे। उस दौरान उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नातें सुनाई, हमने बहुत महफिलें की, बहुत ज़्यादा महफिलें की, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला ने ये जज्बा भी दिया और सआदत भी अता फरमाई। तो काबे की रौनक के चंद अशार सुनते हैं। काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जाऊंगा एक दिन। आमीन आमीन बस इंशाल्लाह जाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह जाएंगे, और अब तो वीज़े खुलना भी शुरू हो गए हैं, आसानियाँ पैदा हुई हैं, इंशाल्लाह आप जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि इस पर कितना आपको फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान में बहुत ही चंद ऐसे कमांडोज़ होंगे जो पैराशूटिंग भी करते हों, पैराग्लाइडिंग भी करते हों, समंदर के अंदर भी ऑपरेशन कर चुके हों, कौम मुल्क के लिए दहशतगर्दों के सर भी कलम करते रहे हों, और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हों, इतनी खूबसूरत नात, मतलब आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो तमाम कौम के लिए अपनी जान देने के लिए आप पहुंच गए, दहशतगर्द का सर काट के ले आए। कई ऑपरेशंस मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बहुत सारे उन्होंने बताए भी, बहुत सारे नहीं भी बताए हैं, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर ये शामिल रहे। शायद ही कोई ऐसा हथियार हो जो इन्होंने इस्तेमाल ना किया हो, ऐसे ऑपरेशंस जो पानी के अंदर पाकिस्तान नेवी के कमांडो सील करते रहे हैं, उनको ट्रेन करते रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इतनी सारी चीज़ें आपने, मतलब बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे जवानों से मिलता हूँ, उन्होंने किया होता है, बड़े कारनामे अंजाम दिए होते हैं, लेकिन आपने तो कोई मैदान छोड़ा नहीं है। एक तो सर मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी जो यंग लाइफ है इसको भरपूर तरीके से इस तरह के एडवेंचरस से भर दिया कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। दूसरा मैं अपने जो उस्ताद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस उस्ताद ने जो कुछ सिखाया, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट कि मैं उसको उससे डबल करके डिलीवर करूँ। तो अल्लाह ने वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी कि मैं डिलीवर भी किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी ख्वाहिश का इजहार किया तो बड़ों ने, मेरे कोलीग्स ने भी, सब ने उसको जो है सपोर्ट भी किया, और जो मैं काम करना चाहता था उस हर काम में मेरे जो बाला अफसरान थे उन्होंने हमेशा हेल्प की। और अच्छा भाई, समंदर में रहना जाना, आप मैक्सिमम कितना वक्त समंदर में रह चुके हैं? मतलब कोई एक वैसे तो कितनी बार गए?
इसमें फैसल भाई यूँ होता है कि उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे जो सबसे ज़्यादा एंड्योरेंस टाइम होता है वो एसएसजी वाले का ही होता है, तो उसकी 200 बार प्रेशर ऑक्सीजन बॉटल होती है, तो वो एक बॉटल के साथ जो है वो तकरीबन 200 मिनट्स जो है वो आप रह सकते हैं। 200 मिनट्स, हाँ, वो ऑलमोस्ट तीन घंटे लगातार जो है वो। लेकिन अगर आपके पास दो बॉटल हैं वो आपने कैरी की हुई है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, छः घंटे भी रह सकते हैं। लेकिन एज पर ऑपरेशन जो है वो एज सच कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए, या जो जैसे कोई चीज़ डूब जाती है तो उसको हम निकालने के लिए काम करते हैं, या तो उसके लिए वो दूसरा सेट है। ये जो एसएसजी वाला सेट होता है ये नॉट मोर देन 10 मीटर, इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, 10 मीटर से ज़्यादा नहीं ये नीचे जा सकता। तो जो डीप सी डाइविंग है उसके लिए अलग से इक्विपमेंट्स हैं, तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है कि भाई काम कितना है और कितना देर। लेकिन ज़्यादा देर ज़्यादा डीप में रहेंगे तो फिर वापसी पे उसके स्टेप जो होते हैं वो स्टेप बाई स्टेप आना पड़ता है। तो जो एसएसजी के लिहाज से है वो इनफ है कि आप 3 घंटे अगर कंटिन्यू स्विम कर रहे हैं तो ऑपरेशन इतनी देर में हो जाता है। तो अच्छा, और जो प्लेन से जंपिंग है ये भी बहुत खौफनाक चीज़ है, आम लोग तो डर जाते हैं। आपके इनके क्लिप्स भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये किस तरह से आप खुद भी जंप करना, लोगों को भी ट्रेन करना। फैसल भाई, पैरा जंप्स जो ना उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक है एडवेंचर, जैसे आप देखते होंगे कि फीमेल्स भी कर रही होती हैं, टूरिज्म के तौर पर स्काई डाइविंग है बेसिकली, तो वो टूरिज्म। जब हम मिलिट्री फ्री फॉल की बात करते हैं तो दैट्स नॉट ए लाइक एडवेंचर नहीं है, उसमें आपके पास पूरा इक्विपमेंट जो है, वेपन है, अमनिशन है, उसमें आपने जो है ना हाइट से अगर जंप करना है तो पूरा थर्मल सूट और इक्विपमेंट, उसमें एडवेंचर वाली कोई बात नहीं होती। एडवेंचर वो सिर्फ नज़र आ रहा है कि 23rd परेड पे सिर्फ स्काई डाइविंग हो रही है, उसमें इक्विपमेंट नहीं होता साथ। इक्विपमेंट वाला जंप जो है वो बहुत यानी कि मिलिट्री फ्री फॉल जो है वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, उसमें एडवेंचर नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप जस्ट एंजॉय करने के लिए वो स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो वो एडवेंचर है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, आपको पार्ट टू के अंदर वो जो ऑपरेशंस इन्होंने किए हैं और ख़ास तौर पे वो ऐसे ऑपरेशंस जिसमें की जान जा सकती थी उनके ऊपर बात करेंगे, और एक दो बहुत खूबसूरत आपको नाते भी सुनवाएंगे कि फहीम भाई के पास एक ख़जाना है नातों का, वो भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेशन इन्होंने किए हैं जिसमें इनकी जान जा सकती थी उस पर बात करेंगे।